प्यारे बच्चों आपका फिर स्वागत है वी क्लासेस रोजाबाद में। चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, टॉपिक चल रहा था हाफ बाउ प्रिंसिपल, उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे। हमने आपको लिखने के लिए दिए थे घर से कॉन्फ़िगरेशन नंबर 7, 8, 27, 35, 54, 82, 96, 112 और 115। इनमें से 7, 8, 27, 35 और 54 ये पिछले वीडियो में मैं करके दिखा चुका हूं। अब जो बाकी कॉन्फ़िगरेशन बचे हैं वो इस वीडियो में करेंगे। बाकी नंबर है 82, 96, 112, 115। ये चारों कॉन्फ़िगरेशन इस वीडियो में हम करके देखेंगे। कॉपी पेंसिल तैयार है, चेक करना शुरू करो। 82 चलो भाई बोलते जाओ, ये नंबर से लिखते जाओ। 1s 2, कितने हो गए? 2। 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2, 3d 10, 4p 6। जो बच्चों को नहीं मालूम वो ध्यान रखे, s में 2 से ज्यादा नहीं आते, 2 से कम आ सकते हैं। p में लास्ट लिमिट 6 है, d की लास्ट लिमिट 10 है और f की लास्ट लिमिट 14 होती है, 1, 4, 14। इस ऑर्डर में भरेंगे, यानी 1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p, फिर 3s, 3p एंड सो ऑन, और लास्ट खत्म होगा 7p पर। ये ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन भरने का। इलेक्ट्रॉन को मान लो बोझ यानी कि बॉक्स, और ये हैं आपके कुली, इनकी खोपड़ी पर ये बॉक्स रखे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक, आगे बढ़ो। अभी आपने कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए? 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 30, 36 36 हो गए, 4p6 पर 36 हो गया। आगे चलो, 5s2 38, 4d10 58, 48 सॉरी, 5p6 54, यहां तक हो गया 54, 6s2 है ना, फिर आगे चलो 4f14, यहां तक हो गया 70 तक, 5d10 80, 6p कितना आएगा? 80 तो हो गए 82 में से, बचे कितने? 2, तो 6p2। p की मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है? 6, तो इसका मतलब 6 से ज्यादा तो नहीं कर सकते लेकिन 6 से कम करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या ये 82 सम बैठ रहा है, मैंने चेक कर लिया, अभी चेक कर लो। 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70, 80, 82। अब वैसे लिखो 82 को, चलो भाई 1 नंबर की पावर 2, 2 और ये भी 2, कितनी हो गई? 8, 3 का 2, 8 और 10, 18। अब 4 पे चलो, 2, 8 और 10, 18 और ये 14 ही रहा, 32। अब चलो 5 पर, किस पर? 5 पर, 5 की पावर 2 और 6, 8 और 10, 18। अब चलो 6 पर, 6 की पावर 2 और 2, 4। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बना 2, 8, 18, 32, 18, 4। ये के शेल, ये एल, ये एम, ये एन, ये ओ, ये पी, ऐसे ऐसे इसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है। पहली शेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, पांचवी में 18, 18 और छठवीं में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये 82 नंबर हो गया। अब 82 को फॉलो करेंगे 96 से, 82 के बाद 96, 96 के बाद 112 और 115। तो 96 चलिए अब जल्दी से करना शुरू करें। चलिए भाई अब थोड़ा स्पीड पकड़ना, हाँ भाई चलते जाओ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, है ना, 4p6, 4p6 के बाद 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, ये बेटा 80 तक हो गया 5d10 करते ही, 80 हो गए,
6P6 86, 7S2 88, और अब कितने बचे 8, तो 5F8 आपको मालूम है यहां पे 17 हो गया था, 80, 86, 88 और 96। अब चलो भाई नंबर को भरो 96 को, वैसे 2, 8 आगे चलो 8 और 10, 18 आगे चलो 4 में 2, 8, 10, 18 और 14, 32। अब 5 नंबर चलो, कौन सा नंबर 5, 2, 8, 18, 2, 6, 8 और 10, 18 ले रहे है ना, तो कितना हो गया 18 और 8, 26, ये भी कैंसिल। अब बताओ क्या बचा 6 नंबर, 2 और 6, 8। अब आया 7 नंबर, कितना है 2, कॉन्फिगरेशन क्या बना 2, 8, 18, 32, 26, 8, 2, ये हो गया KLMNOPQ है ना, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं शेल, ये बन गया, ओके रहा, ये हो गया 96 दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद चलेंगे 112, क्या चलेंगे 112, चलिए भाई 112 चलिए, 112 चलो बच्चों स्टार्ट करें, चलिए भाई 112 चलो, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4A14, 5D10, 5D10 के बाद 6P, कितना 6P6, 7S2, 5F14, 6D10, अब पहले करके देख लो कितना हो रहा है, आपको मालूम था जोड़ना आता है या डायरेक्ट बता दूं, 4F14 पे 70 हो रहा था, 4F14 पे कितना था 70, 80, 86, 88, 102, 102 और 10, 112, बाय द वे की बात 112 यहीं पर हो गया है ना, 6D10, 112 हो रहा है, चेक कर लो 70, 80, 86, 88, 102 और 112, 112 करना था, 112 पूरा हो चुका है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन वैसे बनाओ 112 का, 1, 2, 2, 2, 8, समझ में आ रहा होगा, तो ये 3 की पावर 2, 6 और 10, 18, 4 की पावर 2, 6, 8, 10, 18 और ये 32, 5 की पावर चलो 2, 8, 18 और 14, 32, 6 की पावर चलो 6 की पावर 2 और 6, 8 और 10, 18, 7 की पावर चलो 2, तो ये बना 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2, ये नंबर बना 112 नंबर, कौन सा नंबर बना 112 नंबर बन गया, करना समझ में आया 112, आया ना, कहोगे सर समझ में तो सारा आ रहा है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अब प्यारे बच्चों लास्ट रह गया 115, देखो 115 के लिए मुझसे दोबारा सारा मत मिटवाओ, इसकी जरूरत भी नहीं है, अगर 115 करोगे तो बताओ क्या चेंज करोगे, इतना क्यों मिटवा रहे हैं, यहां पर 2 की जगह क्या होगा 5, कितने बड़े 3, 3 बढ़ गए ना, तो 7P3 हो जाएगा, तो देखो 112 तो पहले ही था, 3 का ही तो अंतर है, तो 3 यहां बढ़ गए तो 115 हो गया। अब ये 7P3 है तो 7S में कितने थे 2 और इसमें 3, तो इस 2 और 3 को मिलाकर कितना हो गया 5, तो यहां से 2 को हटाकर 5 कर दो बस, जैसे ही 5 करोगे 115 का बन जाएगा 112 की जगह। अब ये ऊपर भी 115 का हो गया
नीचे भी 115 का हो गया। चाहे तो एडिशन करके देख लो, 2 और 8 10, 28 60 92 110 115, ठीक। और सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होता है, 118, वो मैं कर चुका हूं। 118 करोगे तो यहां पे 76 हो जाएगा और यहां पर 8 हो जाएगा। 118 सबसे बड़ा है, उसमें यहां पर 3 की जगह 6 हो जाएगा, यहां पर 5 की जगह 8 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 118 का। तो प्यारे बच्चों, कल जो मैंने होमवर्क दिया था उसके सारे ही नंबर मैंने आपको करके दिखा दिए, आपने भी सारे नंबर एक बार करके देखे होंगे। आपके मुझे उम्मीद है जो मैंने आंसर दिए हैं उनसे सारे नंबर मैच कर रहे होंगे, और मैच कर रहे हैं तो आप है विनर, और मैच नहीं कर रहे हैं तो आप है लर्नर। लूजर नहीं, लर्नर। लूजर वो होता है जो हार जाता है, लर्नर वो होता है जो अपनी गलती से सीखता है और आगे बढ़ता है, फिर सही करके दिखाता है। तो आप कभी भी लूजर नहीं है, या तो लर्नर है ना, या है टॉपर। तो यू आर आइदर टॉपर और लर्नर। मेरे बच्चे कभी भी लूजर होते ही नहीं है, ठीक है कि नहीं, बात सही है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक बहुत बहुत मजेदार चीज सिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा हम ये कैसे पता करें कि इस एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड कौन सा है। क्या कैसे पता करें कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दो तो मैं उसका हाल ही बताऊंगा, बता दूंगा ये इसका ग्रुप है और ये इसका पीरियड है। तो किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से उसके ग्रुप और पीरियड को डिसाइड करना बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे किसी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड पता करें अगर उसका एटॉमिक नंबर मालूम हो तो। इसके अलावा एक टॉपिक और रह रहा है कि अफबाउ प्रिंसिपल में एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन भी एक वीडियो में बताऊंगा, और एक वीडियो में ग्रुप और पीरियड निकालना। फिर उसके बाद एलिमेंट की आईयूपीएससी करना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा, एलिमेंट की आईयूपीएससी कैसे करें। आईयूपीएससी सुन के बच्चे खुश हो रहे हैं, अरे ये तो हमने पढ़ी है, तो ये दोबारा से सीखेंगे आईयूपीएससी। अब एलिमेंट की आपने पढ़ी है, कंपाउंड की, मॉलिक्यूल की, हम सिखाएंगे एलिमेंट की। उम्मीद है आप बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे होंगे, सारा समझ में आ रहा होगा, अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो कॉम्प्लीमेंट करें, कोई दिक्कत है तो कमेंट भी करें, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके बाय, कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ।